नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चों, पहला पड़ाव में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है। उसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है फिफ्थ चैप्टर लाइफ इन प्रोसेस। अब हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ एज पर द टेक्स्ट बुक इट इज चैप्टर नंबर 9, नो डाउट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मैंने इसके अंदर आपको कम्प्लीटली आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, और साथ ही साथ आपको करवाऊंगी इसके अंदर कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं, क्योंकि डायग्राम का क्वेश्चन आना ही है, वो तो क्लियर है, वो समझ के चलना ओके। और उसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली चीज़ होती नहीं है, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगी मैं, और पूरी थ्योरी क्वेश्चन मैंने आज इसके अंदर लिए हैं। जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसका एक अलग सेशन बनाऊंगी, जिसमें मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की ही सिर्फ बात करूंगी। तो अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारे थ्योरी पोर्शन को। तो आइए बच्चों, देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस कौन कौन से जो है वो इस चैप्टर के अवेलेबल है हमारे पास, कौन से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट इट्स टू लॉज। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके दो जो लॉ है वो अपन को बताने हैं। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब कि बाउंस बैक होना, है ना। ठीक है, टकरा रहा है, टकरा के फिर से वापस आ जाना, उसको आप रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। सिंपल, इसके लॉ क्या है, तो सबसे पहला लॉ जो है बेटा इसका ये कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये वाला पहला लॉ है। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है, दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो सेम प्लेन पे लाए करती हैं। आपके सामने फिगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये है हमारा सरफेस। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे जो नीचे की तरफ आ रहा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये ऊपर की तरफ, एरो बना लो तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये दोनों हैं तो नॉर्मल आ गया, तो इसके लिए इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड दोनों एक ही लाइन में मौजूद है। ये जो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्शन से जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए समझ में। ठीक है, तो ये आपको फिगर भी ड्रॉ करके आना है बिल्कुल अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बट क्या ना कि कभी कभी अगर पेपर को टफ बनाना हो और ऐसे देखना हो कि बच्चे मतलब बच्चे सही से समझते हैं चीज़ों को, नहीं समझते, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देंगे आपको। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो बेटा, रियल इमेज जो है वो एक्चुअली, ठीक है, वो एक्चुअली लाइट जो है वो फॉल करती है, उसको अपन कहते हैं रियल इमेज। मैं आपको सिंपल सिंपल चीज़ बताऊं, जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, ठीक है, तो आपने देखा होता ना कि वो पीछे की तरफ एक विंडो होती है और विंडो में से एक लाइट आती है और लाइट जो है फोकस होती है सामने स्क्रीन की तरफ एंड वी आर एबल टू सी द मूवी, है ना। तो वो जो लाइट वहाँ पे आती है और हम जो जो स्क्रीन पे गिरती है और जो हमें इमेज मिलता है, दैट इज़ द रियल इमेज। सिंपल शब्द मैंने आपको बता दिया। और वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज ऐसा लगता है कि लाइट मिल रही है पर मिलती नहीं है, स्पेशली मिरर। ठीक है, हम जो खुद को मिरर में देखते हैं तो जो लाइट हमारी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट जाती है तो वो ऐसा लगता है कि मिल रही होगी कहीं पर, बट पता नहीं कहाँ मिल रही है कहाँ नहीं, पूरा कवर बिहाइंड होता है ना, तो अपन को उसका मीटिंग पॉइंट नहीं पता होता है। ये स्क्रीन पे देखने को मिलता है, जिस मैंने कहा कि आप मूवी थिएटर में जाते हो स्क्रीन पे दिखते हो। ठीक है, बहुत से घरों के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे होंगे तो वो स्क्रीन पूरा वो दिखता है जहाँ पे आप रखते हो दीवार पे, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, ये स्क्रीन पे इमेज नहीं बनती है, ये हमेशा इमेज कैसी बनती है बेटा, इन्वर्टेड बनती है, और ये कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। ओके, इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। ओके, और ये इमेज जो है वो प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देखने को मिलती है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो दो मामले पूछ लेते हैं आपसे। देखो इस चैप्टर में ना 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता है, बाकी इतना कुछ खास उसमें नहीं आता, बाकी दो दो और तीन तीन मार्क के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। सो राइट द यूजेज ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूजेज जो हैं वो बताने हैं। तो देखो बेटा, कॉनकेव मिरर के यूजेज में देखो, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल की हेडलाइट्स, उन पर ये यूज होता है, उनमें यूज होता है। डेंटिस्ट जो है वो टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ वो यूज़ करते हैं। ठीक है, या स्पेशली जो टीथ है ना उसको कहाँ पे रखना होता है, पोल एंड फोकस। तो भी आप बोलोगे मैम टीथ को ऐसे रखते हैं पोल निकाल के, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप कोई भी चीज़ को आप जूम करते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि थोड़ा धुंधला होता है, जब वो परफेक्टली नज़र आता है वहाँ पे रुका दे दो, तो परफेक्टली नज़र का मतलब ये कि वो ऑटोमेटिकली पोल और फोकस के बीच में टीथ का ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट वहाँ पे आ ही जाता है। नेक्स्ट इज द कॉनकेव मिरर, हम लोग शेविंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम लोग बता कि जेंट्स करते हैं अगेन, ताकि उनका फेस थोड़ा लार्ज नज़र आए एंड दे कैन ईजिली शेव देयर फेस। लार्ज कॉनकेव मिरर जो है वो यूज करते हैं हम लोग टू कॉन्सनट्रेट द सनलाइट, सनलाइट की साइड साइड रेस के जगह पे
यूज़ करके, ठीक है, उसको अपन सोलार फर्नास में यूज़ कर लेते हैं। तो देर आर द फोर, जनरली दो ही पूछते हैं, तो आप फिर भी आप तीन तो मिनिमम रन करके जाना ही जाना, ठीक। फिर हम बात करते हैं राइट द यूज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू में यूज़ होता है मिरर्स, जो हमारे व्हीकल लगा होता है, जब पीछे की तरफ देखते कौन सा व्हीकल आ रहा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जो पीछे वाला व्हीकल है वो छोटा हो जाएगा, तो इसके लिए पीछे का पूरा व्यू जो है वाइट नजर आएगा हम लोगों को, ओके। और आपको इमेज कैसे मिलती है? इरेक्ट, सीधे के सीधे व्हीकल आपको देखने को मिलते हैं, और डिमिनिश इमेज मिलती है। यहाँ तक कि आपने बहुत बार देखा होता है, जब भी आप अभी तो का मॉल्स वगैरह में जो वो बेसमेंट पार्किंग या फ्लैट्स वगैरह में भी होता है, तो जब वो पार्किंग होता है तो वहाँ पे अपने देखो साइड में दो यूँ गोल ऐसे मोटे मोटे से मिरर रखे जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सामने से कोई आ रहा है या क्या, तो पहले पता चल जाए, तो इसके लिए स्पीड वगैरह मेंटेन होती है और लाइक एक्सीडेंट ना हो। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एट द ब्लाइंड टर्न, जैसे मैंने बताया ना ब्लाइंड टर्न, ठीक है, पता ही नहीं आगे सामने कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, इस हिसाब से। और सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी मिरर के हिसाब से भी शॉप्स वगैरह रखा जाता है। तो वो एक ही मिरर है, और वो एक मिरर आपको तीन तरीकों में यहाँ पे बोला गया है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लेन मैग्नीफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब मैं आपको क्लियर बता दूँ कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ठीक है, डिट्टो ही वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से आपके बहुत सारे वनमा क्वेश्चन निकलेंगे। इसके लिए मैंने कंप्लीट आपको ये दे दिया है। अब आपसे एक सवाल यूँ पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, दैट डिफाइन मैग्निफिकेशन, या वॉट इज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, ओके, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, ये आपको लिखा होगा, ठीक है। तो देखो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो, वो रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो याद करना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे बेटा, मैग्निफिकेशन। आपको साइड में लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपको लिखी हुई है। तो एम स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको अपन कहते हैं मैग्निफिकेशन। एक और भी होता है माइनस वी अपॉन यू, अच्छा ये याद करना, ये स्पेरिकल मिरर्स के लिए कह रही हूँ मैं, ठीक है, माइनस वी अपॉन यू। अगर आपको लेंस के लिए बोला जाए ना बेटा, तो ये तो सेम ही होता है एच आई अपॉन एच नोट, पर यहाँ पे वी अपॉन यू हो जाता है फॉर द लेंस, याद कर लेना। फॉर द लेंस इट इज़ वी अपॉन यू, एंड फॉर द मिरर इट इज़ माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। अब इसके आप ना बेटा वैल्यूज़ देख लो, ये वैल्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएंगे, और आप वन मार्क के क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी काम आएगी। एम की वैल्यू बेटा नेगेटिव अगर होती है, अगर एम के लिए नेगेटिव आती है तो इमेज कैसी है, रियल। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल। दो पॉइंट क्लियर हो गए, डन। चलो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, अगर एच आई और एच नॉट की वैल्यू सेम है, ठीक है, ये जो एच आई हमने लिखा ये और एच नॉट, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब एम क्या होगा, वन होगा, तो आपको इमेज कैसी मिलेगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑलमोस्ट अपन को प्लेन मिरर जो हमारे घर पर होता है ना, उसमें यही होता है। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि एच आई जो है, हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, तो उसका मैग्नीफिकेशन भी वन से ज़्यादा होगा, तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज, ठीक है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो एम की वैल्यू भी वन से कम होगी, तो इमेज कैसी होगी, डिमिनिश, छोटी होगी, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रही है? अब आपको पता चल रहा है ना, ये आपको एक एक मार्क पे कैसे पूछ सकते हैं। मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का हमेशा हमेशा वन होता है, कभी प्लस साइन हो तो इंडिकेट कर लेता है कि वो वर्चुअल इमेज है, वन इंडिकेट करेगा इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, अपन आगे देख लिया, ठीक है। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है पर वन से कम है, ध्यान देना मैं क्या कह रही हूँ, एम की वैल्यू पॉजिटिव है वन से कम है, तो मिरर कौन सा होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। एम की वैल्यू पॉजिटिव है और वन से ज़्यादा, तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। एम की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव जो भी, ठीक है, वन से ज़्यादा हो या कम हो, तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो आई होप आप क्लियर हो चुके कि ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें अपन मिरर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमने तीन चीज़ें बात की, ये हम लोग इमेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, साइज ऑफ इमेज या इमेज साइज, ओके। और ये जो अपन दो डिस्कस किए, ये हम लोग नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये वाला मतलब अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रखना, बहुत काम आएगा ये। नेक्स्ट, तब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके अपन को लॉ लिखने हैं। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, सिंपल, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स, ठीक है, जब दो मीडियम होते हैं, ठीक है, समझो कि ये एक मीडियम है और ये एक लाइट, ठीक है, ये सेपरेशन है, ठीक है, ये ऊपर आ गई एयर और नीचे आ गया वाटर, तो दो मीडियम हुए ना, ठीक है, ये मीडियम वन और ये मीडियम टू। तो जब मीडियम वन और मीडियम टू होता है, और जब भी रे आएगी, ये हुआ नॉर्मल, ठीक है, जब भी इंसिडेंट रे आएगी
तो वो इंसिडेंट रे जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी और बैंड हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, रिफ्रैक्ट कर रही है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही एक ही प्लेन में लाए करने चाहिए, हो गया, वो तो मैंने बता दिया। अब इसके अंदर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये कभी इक्वल नहीं होते क्योंकि एंगल चेंज हो जाते हैं क्योंकि लाइट बैंड होती है इसकी वजह से। तो इसके लिए याद करना, यहाँ पे आता है अपने पास स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, ये कहता है हम रेशियो लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी। मतलब कि एयर और वाटर का जो मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लूँगी, मतलब कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा मुझे, फिर मैं जब भी एयर और वाटर लूँगी जब भी, तो मुझे सेम ही वैल्यू आएगी। दैट्स वाई द वर्ड इज गिवन कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, देखो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो है उसको अपन कहते हैं पावर ऑफ लेंस। और याद करना यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा किस में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए। तो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल वन अपॉन एफ इन मीटर, दैट इज कॉल्ड द पावर। ठीक है, ये पावर क्या बताता है, ये पावर ये बताता है कि लाइन जो लाइट आ रही है ना वो कितनी ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, कितनी ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, तो डिग्री, ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ की कितनी डाइवर्ट हो पा रही है, कितनी मिल पा रही है, ये डिग्री जो है वो पावर में बताई जाती है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, जो हम लोग चश्मे पहनते हैं ना उसे पावर लिखा होता है। ठीक है, तो जिन लोग जो जिनके पास स्पेक्स होगा उनको पता आइडिया हो जाएगा कि उनके जो भी डॉक्टर होता है उनको पावर लिखा जाता है, हम मतलब ढाई नंबर है, ढाई नंबर। ठीक है, तो वो ढाई नंबर इज अ पावर। ठीक है, तो पावर क्या है भाई, इतना मतलब इतना डिग्री जो है वो लाइट कॉन्वर्ज हो रहा है या इतना डिग्री जो है वो डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास हम होते हैं ना आगे का नंबर पीछे का नंबर है, ऐसे करके नंबर्स आते हैं। ऐसे यूनिट पावर का होता है डायोप्टर, कैपिटल डी। ठीक है, वन डायोप्टर इज नथिंग बट वन बाय मीटर पर मीटर। ठीक है, वन डायोप्टर इज नथिंग बट वन अपॉन मीटर, याद कर लेना, ऑब्जेक्ट में आएंगे। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर, तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर। तो वन डायोप्टर का मतलब है कि फोकल लेंथ कितना होगा, वन मीटर होगा। अब कुछ ज्ञान की बातें ध्यान देना, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, और पावर इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ या थिकनेस। ठीक है, वो तो अपन आगे देख लिया, डन बेटा। नाउ नेक्स्ट एक्सप्लेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें एक्सप्लेन करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट बैंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक हल्का सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं, ये दो मेरे मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम वन और ये मीडियम टू, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। ठीक है, तो अब जैसे लाइट में कह रही हूँ पास हो रही है, ठीक है, ये लाइट आई और ये बैंड हुई, ओके, ये लाइट आई और ये बैंड हुई। अब देखो दोनों दोनों की बैंड होने का जो एंगल है वो मैंने अलग अलग बनाया, ठीक है, तो कितनी ज़्यादा बैंड हो रही है उसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप्स होते हैं बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई नहीं बताएगा आपको गुजरात बोर्ड में ये सब चीज़ें, कोई नहीं बताएगा, मैं पहले ही बता दूँ, इसके लिए हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव का मतलब कहते हो, रिलेटिव मतलब रिलेशन, ठीक है, मैं इसकी बहन, वो मेरा भाई, रिलेशन हुआ ना। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब एक मीडियम का हम दूसरे मीडियम से जब रिलेशन निकालते हैं तो उसको अपन कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस पर हम क्या करें, हम इसमें निकालेंगे क्या, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी ना, जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी ना वो देखी जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू में कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम वन, क्योंकि आप देखो जो मैंने इमेज डाला अभी आपको जो समझाया मैंने क्या बोला, इसमें से इसमें लाइट आ रही है ना, तो मीडियम टू में स्पीड कितनी हो गई लाइट की, मीडियम टू में स्पीड कितनी हो गई लाइट की, तो वो हमें मीडियम वन से पता चलेगा ना। तो इसके लिए पहले टू की स्पीड ऑफ लाइट फिर अपॉन में वन की स्पीड ऑफ लाइट आती है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कि जो लाइट की स्पीड उसको कंपेयर किया जाता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो होती है ना वो, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। तो याद करें यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब ओके वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो उसको हम कंपेयर करते हैं वैक्यूम से। तो ये लिख भी देना दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 4 मार्क में डी सेक्शन में ही आता है हर बार, जब भी आया है, क्योंकि बहुत लंबा है भैया। चलो देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसके लिए सुनना ध्यान से, बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन क्या है। आपसे ये कह रहा है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट शो करना है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, और उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताना है क्या है विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और सबसे पहली बात तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैं अगर आपको नॉर्मल नॉर्मल शब्द में बताऊं बेटा, तो आपने देखा होता है कि जब हम स्विमिंग पूल देखते हैं तो स्विमिंग पूल का जो बेस होता है वो ऐसा लगता है कि ऊपर की उठा हुआ है वो, तो जब अपन अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत गहरा है ना, तो एग्जैक्टली उसकी जो गहराई वो हमें जब हम ऐसे डुबकी मारते तो पता चलता है ना, ऊपर से वो क्या बोलेगा, अच्छा इतना इतना ही तो इतना 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 डीप का अपन ये बोलते हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ उभरता है। तो ऐसे कुछ जो अपन को इमेजेस नज़र आते हैं ना ऊपर की तरफ उभरे हुए या क्या, उसको अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल मतलब कि एक्चुअल पोजिशन कुछ और है या एक्चुअल डेप्थ कुछ और है और दिख कुछ और रहा है, तो उसको अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बताइए समझ में इतना, ठीक है ना। चलो ये फिगर रहेगा बेटा, थोड़ा फिगर अपन समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर स्लैब है पी क्यू आर एस, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है। यहाँ पर ए बी, ये देखो ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है, वो आ रहा है, यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा 1 और यहाँ पे एंगल बनाएगा थीटा 2, ठीक है। अब ये आगे की तरफ और जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है, और सीधी बात है, अब यहाँ पे आप देखो तो मीडियम चेंज होगा ना, ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है। अच्छा अभी एक और चीज़ याद करना, अब बता ही दूँ मैं आपको समझाते समझाते, ठीक है। एयर इज़ कंसिडर्ड एज द रेयरर मीडियम, रेयरर क्योंकि बहुत हल्के हल्के पार्टिकल्स होते हैं ना, तो क्या हो गया रेयरर मीडियम। और जो ग्लास है वो कैसा होगा, डेंसर मीडियम, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं ना तो थिक हो जाता है, तो ये क्या हो गया बेटा डेंसर मीडियम। तो याद करना जब भी रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट बेंड होगी, ठीक है, तब तब जो बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, कैसी होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल। मैं बता रही हूँ, फिर कहना मैं सबने बताया नहीं, ठीक है, सब चीज़ें बहुत ध्यान से सुनो। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ पे होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, ये 1 मार्क में आ सकता है या आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं आपको। और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम होता है, ठीक है, अगर डेंसर से रेयरर, जैसे अभी आप देखो अभी ये ग्लास है, अब ग्लास से फिर से ये लाइट जो है वो बाहर की तरफ आ रही है एयर में, तो ये क्या हो गया N2 से N1, बेसिकली देखा जाए N3 हो गया ना, ठीक है, तो N2 से जब N3 की तरफ आती है तो क्या हो जा रहा है वो उसको हम कहेंगे डेंसर टू रेयरर, तब लाइट जो है बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। अब मैं आपको इस फिगर में दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कलर ये ले लूँ, ठीक है, देखो अब ये जो रेड वाला लाइट है ना, खाली इस पर ध्यान दो, ठीक है, ये आया नॉर्मल, ठीक है, और ये देखो नॉर्मल के नज़दीक है, और जब ये ग्लास से बाहर की तरफ आ रही है मतलब एयर की तरफ आ रही है, तो देखो ये रहा नॉर्मल और ये नॉर्मल से दूर जा रही है। बात आई समझ में, बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देती हूँ। ओके, अब आपको ये पूरा का पूरा प्रूव करना है। अब बेसिकली अपन तो ये सोच रहे हैं ना कि भैया लाइट तो स्ट्रेट जानी चाहिए, ठीक है, लाइट का अपन ये बोलते हैं स्ट्रेट, बट वो यहाँ पे बैंड हो रही है, तो ये जो गैप आता है इसी गैप को अपन कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल शिफ्ट। ओके, अब इसमें आपको पूरा स्टेटमेंट ये अच्छे से लिख के समझाना होगा, इसके लिए प्लीज़ समझो क्या बोल रहा है। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है पी क्यू आर एस, जहाँ पे पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल है, देखो सामने सामने है पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल है, ठीक है, वी नो ना रेक्टेंगल में ये वाली साइड्स पैरेलल होती है, तो बस वही चीज़ है पी क्यू आर एस जो है वो पैरेलल है, ठीक है। नाउ अ रे ऑफ लाइट ए बी, देखो मैंने समझा दिया, ठीक है, ए बी से एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है पी क्यू पर। ओके, एज द रे ए बी एंटर्स फ्रॉम द एयर, एयर से मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगी तो वो बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, मैंने समझा दिया। फिर आगे वो पाथ कंटिन्यू कर रही है ग्लास के अंदर और सी पॉइंट पे, देखो ये वाला, ठीक है, सी पॉइंट पे फिर से वो स्ट्राइक हो रही है और रिफ्रैक्शन फिर से हो रहा है। अब सी से, ठीक है, सी से वो आगे की तरफ जा रही है ये रे, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ गई, तो इसके लिए वो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, जो मैंने कहा वही है। तो यहाँ पे ए बी इंसिडेंट रे है, बी सी रिफ्रेक्टेड रे और सी डी जो ये निकल रही है उसको अपन क्या बोलेंगे इमरजेंट रे, ठीक है। चलो अब इसका आपको लिखना होगा ये इस तरीके से कैलकुलेशन, चाहे आप पूछ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है।
अब इसमें इसमें अपन स्मेल्स नहीं स्नेल्स लो, क्या लिखती हूँ मैं भी, ठीक है, स्नेल्स लो। अब यहाँ पे अपना फॉलो होगा स्नेल्स लो। स्नेल्स लो क्या कह रहा है बेटा, दैट साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कह रहा है अपने को, ठीक है। तो देखो अभी हम ना यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है इसको हम लोग कॉन्स्टेंट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो साइन, अब आप फिगर में देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे एंगल आई की जगह क्या लिख दिया, थीटा वन लिख दिया। देखो ये एंगल आई है ना, तो थीटा वन, और ये एंगल आर है तो थीटा टू, ठीक है। फिर से यहाँ पे एंगल थीटा थ्री और यहाँ पे थीटा फोर, चार एंगल बन रहे हैं। ओके देखो अभी, सो स्नेल्स लॉ में क्या होगा, देखो एन वन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इंटू साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू एन टू इंटू साइन थीटा टू। अब एन वन एयर मीडियम है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपन वन मान के चलते हैं, तो ये जो एन वन है उसकी जगह पे वन लिख दिया तो इसके लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या हो गया साइन थीटा वन इज इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा टू, ठीक है। अब अगर ये हो गया हमारे पास पी क्यू सर्फेस पर, क्या पे, वो पी क्यू पे, अब अपन लगा रहे हैं आर एस पे, फिगर देखना है। देखो ये जो हमने डिस्कशन किया ये वाला थीटा वन और थीटा टू पी क्यू के लिए किया था, अभी देखो बहुत होचपोच हो गया ना, रुक मैं इसको मरअप कर दूँ। ठीक, ओके, सो यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया थीटा वन और थीटा टू के बारे में, तो ये पी क्यू है। अब आर एस के लिए हम लेंगे थीटा थ्री और थीटा फोर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या है यहाँ पे, फॉर द एयर मीडियम एन थ्री आर एस के लिए एन टू इंटू साइन थीटा थ्री और एन थ्री इंटू साइन थीटा फोर। एन थ्री जो है वो एयर मीडियम ही था, बाहर की तरफ निकल रहा था, इसके लिए यहाँ पे वन लगा दिया हम लोगों ने, चला गया। ओके तो क्या हो गया, एन टू साइन थीटा थ्री इंटू इजिक्वल्स टू साइन थीटा फोर। अब देखो अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, क्या इक्वेशन आ गई, साइन थीटा वन इजिक्वल्स टू एन टू साइन थीटा टू और एन टू साइन थीटा थ्री इजिक्वल्स टू साइन थीटा फोर, ठीक है। अब अगर आप देखो फिगर में, अगर आप फिगर में दोबारा देखो तो आपको दिख रहा होगा थीटा टू और थीटा थ्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, देखो यू जेड बन रहा है, ठीक है यू जेड बन रहा है ये, तो ये हो गया थीटा थ्री, सॉरी थीटा टू, और ये हो गया थीटा थ्री, तो दोनों इक्वल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे दोनों, इक्वल सॉरी वर्टिकल नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं बेटा, ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे थीटा थ्री और थीटा टू। तो अब ये दोनों ये वाले एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो देखो एन टू साइन थीटा टू इज इक्वल्स टू एन टू साइन थीटा थ्री। अब एन टू कैंसिल, सेम मीडियम ही है, ठीक है। तो साइन थीटा टू और थीटा थ्री वो दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो देखो अब अगर ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है तो बट ऑब्वियसली ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा वन और साइन थीटा फोर इक्वल है, साइन साइन कैंसिल कर दो, थीटा वन इक्वल टू थीटा फोर है। तो इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। नाउ लुक एट द फिगर, लुक एट द फिगर वंस अगेन। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा वन और एंगल ऑफ एमरजेंट थीटा फोर, ये दोनों सेम होंगे, इसके लिए दोनों लाइंस कैसी हैं बेटा, पैरेलल होती है। तो ये लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती है, ये पूरा अपन को प्रूव करना था, ठीक है। सो द एमरजेंट रे सी डी इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे ए बी, ठीक है, ई एफ नहीं आएगा, ए बी, ओके। हाउएवर द एमरजेंट रे, अब ये जो है वो सी ई के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है जो मैंने आपको बताया था, तो कभी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है बिटवीन द टू सर्फेसेज और वो थोड़ी डिस्प्लेस हो जाती है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट्स। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लेटरल शिफ्ट्स किस पे डिपेंड करता है, तो पहली बात तो डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्किस, ठीक है, दो जो पैरेलल है उस पर कितना डिस्टेंस है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, तीसरा उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके देखो हर एक चीज़ का, अगर आप पानी में पेंसिल डालते हो ना, आप यूँ से दूर से देखो आपको लगे पेंसिल टूटी हुई है, टूटी हुई है, ठीक है, ये पूरी नहीं दिखती है, तो ये हर एक का फिनोमेन अलग अलग होता है, तो ये सब चीज़ें अपन को इसकी वजह से ही दिखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है लाइट की डायमंड के अंदर वो कम है, कितनी कम है, 2.42 जितनी कम है कंपेयर टू द
एयर, ठीक है, बिकॉज वी नो एयर में, एयर में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है ना, तो डायमंड में आते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है 4.2 2.42। तो अभी आप, आपको डायमंड दे, कोई भी दे, कोई भी नंबर दे, कोई फर्क नहीं है, स्टेटमेंट सेम रहेगा। डायमंड है तो डायमंड लिखोगे, रूबी होगा तो रूबी लिखोगे, उसकी जो वैल्यू है वो। तो आपको खाली इतना ही लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वॉट एवर द सब्सटेंस इज गिवन विल रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर होता है बाय द वैल्यू ऑफ 2.42 यहाँ पे है तो वो लिखोगे, कुछ और दी जाती है तो वो लिख देना कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा ये लिखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम देखें तो कॉनकेव जो है वो डाइवर्ज होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स जो है वो मिलाता है, कॉन्वर्ज होता है, कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। जो कॉनकेव लेंस होता है वो थिनर होता है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पतला होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो सेंटर पे कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कैसा होता है इसका, वर्चुअल होता है, यहाँ पे फोकस कैसा होता है, रियल, मतलब इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, और वो कैसे बनती है, रियल बनती है। यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। यहाँ इस लेंस को अपन मायोपिया मतलब कि दूर की नज़र को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, इस लेंस को अपन हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि नज़दीक की नज़र को ठीक करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ये आपको आएगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रिपेयर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। व्हीकल्स में अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं? ओके, वो सीधी सी बात है, क्योंकि वो आपको इरेक्ट वर्चुअल और फुल इमेज देता है, वो भी डिमिनिश इमेज देता है, वाइडर व्यू देता है। इसके लिए मैंने आपको आगे एक्सप्लेन कर लिया था ड्यूरिंग द यूजेस। नेक्स्ट, व्हाई अ कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स में हम लोग कॉन्केव मिरर या टॉर्च में, ठीक है, हम लोग कॉन्केव मिरर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये क्या होता है ना, कॉन्केव मिरर जो है वो लाइट को बहुत दूर तक स्प्रेड करता है, लाइक बिकुल से इन्फिनिटी, तो बहुत दूर तक लाइट जाती है, फोकस इसका बहुत दूर तक होता है, इसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर इज -3। स्फेरिकल मिरर से मैग्नीफिकेशन -3 प्रोड्यूस हुआ है, तो आप इसमें से क्या चार इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो? तो सबसे पहली बात माइनस, अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगी कि इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है, इसका मतलब कि मिरर कैसा होगा, कॉनकेव, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन -3 है, इसका मतलब कि इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड, मतलब कि 1 से ज़्यादा है ना, 1 से ज़्यादा हो तो क्या हो गया, मैग्नीफाइड आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं, ओके, रियल इन्वर्टेड, द मिरर इज कॉनकेव एंड मैग्नीफिकेशन इज -3, दैट्स व्हाई द इमेज इज मैग्नीफाइड, ओके। नाउ कुछ आपको टर्म्स पूछ सकते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, तो इन टर्म्स को थोड़ा देख लेना, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसके मैंने आपको सारे के सारे बता ही दिए हैं। पोल क्या होता है, अब देखो मिरर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अपना फिगर होता है, ठीक है, ये रहेगा पी पोल, ये रहेगा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे रहेगा सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो पोल क्या होता है, तो पोल इज़ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको अपन कहते हैं पोल, ठीक है। सेंटर कर्वेचर क्या होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर दैट मीन्स द सेंटर पॉइंट इन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, तो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस में जो भी पार्ट है जो सेंटर पे रहता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल से और सेंटर को कनेक्ट करती है, ऐसे करके, है ना, है ना ये, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस वो जगह होती है जहाँ पे इंसिडेंट रेज जो है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे अपन आगे मैं सिखाऊंगी ना नेक्स्ट में, तो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, यूं करके रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रही है, फोकस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो वो वाली पॉइंट होती है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, द रेडियस इज कॉल्ड द स्फेरिकल, तो आप सिंपल लिख सकते हो, ये थोड़ा सा टफ स्टेटमेंट आ गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड द देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल आर से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं हमारे
फिगर्स के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कैसे फिगर बनाना है, इमेज फॉर्मेशंस क्या हैं, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और 2 मार्क में आपको उसका एक सवाल दिखेगा ही दिखेगा, आपके हाफ ईयरली में देख लो, आपके शायद यूनिट टेस्ट अगर हो तो उसमें देख लेना, अगर आपके बोर्ड का पेपर देख लो आपको एक सवाल उसका दिखेगा ही दिखेगा, प्री बोर्ड के पेपर देख लेना उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो वाला जो कौन जो अभी टॉपिक अपन जा रहे हैं उसको आराम से देखना। तो चलिए बच्चों अभी हम शिफ्ट होते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, देखो पहले पहले हम बात करें कॉनकेव मिरर की, ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की, और फिर हम लोग लेंस की बात करेंगे। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले जो मैं ऑब्जेक्ट रखूंगी वो रखूंगी मैं एट इन्फिनिटी, ठीक है ना, कहाँ रखूंगी मैं इन्फिनिटी पे रखूंगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है इतना ओके। अब पहले डायग्राम कैसे बनाना है वो देखो, देखो ये मैंने राउंडर ले लिया, इस राउंडर को मैंने 8 सेंटीमीटर जितना वाइडन ओपन कर दिया, ठीक है, आपको 10 लेना है जितना आपकी मर्जी है, मैंने 8 लिया, तो कि थोड़ा सा इमेज आपको दिखे भी, छोटा लूंगी तो फिर आपको दिखेगा नहीं ना, ठीक है। और आप इसको रखकर कहीं पे भी ऐसे पॉइंट रखकर और आप इसका कर्व पोर्शन बना लीजिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना ओके। अब क्या करेंगे बेटा आप, अब जहां पे आपने अपना राउंडर रखा था, ये मेरा पॉइंट आ गया राउंडर का, ठीक है, वहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ओके, एक बार मैं चेक कर लूं, ओके, तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये है मेरा पॉइंट सी, जहां पे राउंडर का पॉइंट रहा था ना वो सी, ये क्या हुआ पोल, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि मैंने ये 8 सेंटीमीटर जितना इसके अंदर रखा था, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, जी देखो 8 सेंटीमीटर है। अब इसके एग्जैक्टली हाफ पे, इसके एग्जैक्टली हाफ पे 4 पे मेरा क्या रहेगा फोकस पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा बच्चा फोकस रहेगा, तो यहाँ पे मैंने डॉट करके क्या ड्रॉ कर दिया फोकस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेजरमेंट आपका होना बहुत ज़रूरी है और सही होना ज़रूरी है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे इन्फिनिटी पर, जैसे सन होते स्टार्स होते बहुत दूर होते ना हमसे, ठीक है, तो इतने दूर है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है ना तो वहाँ से जो रेज आती हैं सिर्फ एक ही टाइप की रे आती है, वो भी स्ट्रेट आती है, विच आर कंसिडर्ड एज द इंसिडेंट रे। तो कहीं पर भी दूर एक हमारा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं और मिरर पे टकरा रही हैं, तो ये जो आ रही हैं उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये जो है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, पता ही सबको है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस सुनना, अब प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल जब भी कोई इंसिडेंट रे आएगी तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी फोकस से, कहाँ से करेगी फोकस से, ठीक है। अब हमें 2 रेज बनानी पड़ती है, देखो ऐसे तो आपको पता है बहुत सारी रेज आती है, अब सारी सारी बना नहीं पाएंगे ना हम लोग, ठीक है, तो हमें 2 तो बनानी पड़ जाती है। तो आपने एक ये बनाई, एक आप ऊपर से बना सकते हैं, आप नीचे से बना सकते हैं, आपकी मर्जी कहीं से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने नीचे वाले से एक बना लेती हूँ मैं, ये हुई इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट करेगी कहां से फोकस से, सॉरी फोकस, ठीक है। तो इमेज कहां बन रहा है फोकस पे बन रहा है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और यहां पे इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलिए तो अब इमेज कहां बना फोकस पे बना, जहां पे ये दोनों रेस मीट करेंगे ना वहां पे इमेज बनता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कहाँ मीट कर रही है फोकस से मीट कर रही है, इसके लिए ये कहाँ बना फोकस पे बना। नेचर क्या होता है इसका, तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्यों, क्योंकि मिरर के मिरर की तरफ बन रही है, बिहाइंड द मिरर नहीं बनी, मिरर के फ्रंट पे बन रही है, इसलिए रियल। और जब रियल होती है तो ऑटोमेटिकली वो कैसे हो जाती है इन्वर्टेड भी हो जाती है। क्या करना देखो, आपके पास ना बच्चों घर पे वो स्पून तो होता ही है ना, ठीक है, वो स्पून जिस पार्ट से अपन चावल वाले हाथ में उठाते हैं स्पून से, ठीक है, वो वाले पार्ट को अपने चेहरे की तरफ रख देना ऐसे करके, ठीक है। तो आपको देख आपको दिखाई देगा आपका चेहरा ना उसके अंदर उल्टा नजर आ रहा है, ओके, तो आप क्लियर कर लेना कि उल्टा मतलब कि इन्वर्टेड, और मिरर जो आपका वो है चम्मच उसके फ्रंट में ही इमेज बन रहा है इसलिए रियल हो गया। अच्छा आप साइज देख लो तो देखो कैसा बना है, पॉइंट बना है, पॉइंट बना है, ठीक है। अब आपको सन और स्टार तो बहुत ज्यादा जायंट होते हैं ना, पता ही अपने को, बट अपने को दिखते कैसे हैं पॉइंट की तरह दिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट साइज इमेज, जिसको आप लिखोगे हाईली डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटा है, बात पकड़ में आई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर कर लेते हैं हम लोग,
नाउ यहाँ पे पोजीशन हम लिखते हैं बियॉन्ड सी। देखना अब क्या करेंगे हम लोग, देखो एक इंफिनिटी बहुत दूर था, अब धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते आना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब सी के बियॉन्ड रखेंगे हम लोग, तो चलो पहले तो हम लोग बना देते हैं। ये मैंने लिया और ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्लियर है ना। ये वाला पॉइंट है, कभी कभी पॉइंट दिखता नहीं है ना, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ बस, ठीक है। अब पहले तो मेन मेन पॉइंट्स बना दो। तो पहले हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया पोल, ये हो गया सी, इनके बीच का एक बार चेक कर लेते हैं, एट है ना, हाँ एट है, ओके। इनके बीच का जो आया फोर, ये हो गया एफ, डन था, ओके। नाउ मैंने क्या कहा, हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं, बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा दूर, तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ए बी, ओके। अब आप दो रेस पास करनी है, हमेशा पहली रे ना कौन सी पास करोगे, फोकस वाली, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के यूं सीधी 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 लाइन बना दो, और कहाँ से निकालनी है आपको इसको, फोकस से निकालना है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा कहाँ से लोगे, देखो दूसरा है ना, क्या करना, फोकस से निकालना, कहाँ से निकालना, फोकस से निकालना, फोकस से निकाली और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सीधे सीधे बनाते जाना, बना दे, ठीक है। अभी दोनों रेस कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, तो चलो बना देते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा इमेज ए डैश बी डैश। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट देखो, एक दो तीन, ऑलमोस्ट तीन लाइन में कवर हुआ था, ठीक है। और इमेज देखो, एक और दो, दो लाइन में ऑलमोस्ट कवर हुआ है, मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। तो साइज क्या है, साइज है डिमिनिश, या तो फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा नेचर, अब मिरर के यहां पर बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, आर और आई शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहां बना है, सी और एफ के बीच में, तो क्या लिखोगे बच्चा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, क्लियर हुआ। अब समझ में आना कैसे ड्रॉ करना है, चलो अभी हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब कहाँ पे रखेंगे हम लोग को पोजीशन। मैंने क्या कहा था, धीरे धीरे नजदीक लेते आ रहे, ठीक है। तो पहले इन्फिनिटी था, फिर हम बियॉन्ड दस की रखा, मतलब कि सी से थोड़ा दूर, अब सी पे रखेंगे हम लोग, कहाँ रखेंगे, एट सी, ठीक है, सी पे रख देंगे हम लोग। अब मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ऑलरेडी आपका, अभी तो मैंने सिखा दिया कैसे ड्रॉ करना है ना, तो इसके लिए मैंने कहा टाइम नहीं वेस्ट करना, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, बस ये वाली पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया सी, ये हो गया पी, अब इनके बीच का देख लेते हैं एफ। मैंने मेजरमेंट चेंज नहीं की है, आप ना 8 और 10 के हिसाब से कर ही लेना राउंडर में, तो क्या इजी हो जाएगा आपके लिए भी। ये हो गया 4 पे एफ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब मैंने क्या कहाँ पे रखना है अपने को ऑब्जेक्ट, एट सी, तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ए और बी। देखो मैंने कहा कि एक तो फोकस वाला पॉइंट ही ले लेना, मतलब एक्चुअली दोनों फोकस वाले ही लेना है ना, और तो क्या, एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे, तो कहां से पास हो रही है बच्चा, फोकस से पास हो रही है, ठीक है, फोकस से पास हुई। दूसरा फोकस से इंसिडेंट हो रही है, और क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। चलो ये दोनों कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, ओके। थोड़ा सा शायद मेरा गड़बड़ हुआ, एक सेकंड ना बच्चों, एक बार मैं चेक करूँ कहाँ लेना है, फोकस से लेना है, ये थोड़ा सा मेरा,
और ये हुआ यहाँ से, देखिए मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो ये एक दो तीन, यहाँ पे देखो इमेज का भी एक दो तीन, मतलब इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है, और इमेज कहाँ बना है, सी पे ही बना है। तो जब भी पोजीशन सी पे होगा तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। साइज कैसा होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हो, देखो इन्फिनिटी में बिल्कुल पॉइंट साइज था, दिख ही नहीं रहा था, फिर धीरे धीरे भी ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे इमेज की साइज जो है वो इंक्रीज होने लगी, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते हुए आ रहे हैं। जितना हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेते आएंगे उतना इमेज की साइज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, डन। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर फोर। सो अब कहाँ पे रखेंगे हम लोग, अब हम रखेंगे पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सी से और थोड़ा अंदर की तरफ लेके आएंगे तो क्या बोलेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में हम इसको रखेंगे। चलिए तो ये तो मैंने बनाई दिया ऑलरेडी, आइए ये हो गया पी, ये हो गया सी, इनके बीच का पॉइंट ये आ गया पॉइंट दैट इज एफ, ओके। अब मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट अपन को कहां पे रखना है बेटा, अपन को रखना है सी और एफ के बीच में, यहाँ रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। चलो तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेनी है। आपको स्कूल में सिखाया होगा चार रेज ली जाती हैं, ठीक है, तो हम उन चार में से कोई भी दो ही ले लेते हैं, तो जनरली जो इजी है मैंने वही ली हुई है। सो ओके, पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस की, ठीक है। दूसरा मैं पास करूंगी प्रिंसिपल फोकस से, और इसको लूं ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे है, ये कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है ना, दिख रहा है, ओके है ना, यहाँ मीट कर रही है। तो अब अगर मैं इसका इमेज बनाऊं, देखो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। देखो यहाँ पे दो लाइन में था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक दो तीन जितनी लाइन कवर की है इमेज ने, मतलब इमेज की साइज ज्यादा है, और पोजीशन क्या है, सी के बियॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड सी, साइज एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। देखो अब इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक लेके आते हैं, तो कहां पे रखें हम लोग, एफ पे रख देते हैं, ठीक है। अब कहां पे रखेंगे हम लोग, एफ पे रखेंगे। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो बच्चों अब फिफ्थ नंबर, अब फिफ्थ में हमारा कहां पे रहेगा ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था एट एफ, ठीक है, कहां पे रहेगा, एट फोकस पॉइंट। तो मैंने ये ऑलरेडी बना दिया, मेजरमेंट मैंने वही सेम लिया है, तो इसके लिए मैंने इसको ऑलरेडी पहले बना लिया था, 8 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको, ठीक है, तो ये हो गया सी, ये है पी, इनके बीच का 4 सेंटीमीटर का गैप होगा एफ, लिखना है ना, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एफ। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हम रखेंगे एफ पे, चलो ऑब्जेक्ट हमने रखा एफ पे, एबी। अब देखो बेटा, अगर हम ऑब्जेक्ट एफ पे रखेंगे तो फिर हमारी इमेजेस कैसे जाएंगी, तो एफ पे रखेंगे तो पहले पैरेलल जो मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, कहाँ से पास होगा बच्चा, फोकस से पास होगा, फोकस से पास कर लिया मैंने, ठीक है, कहाँ से पास कर लिया, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो फोकस से पास कर लिया, इतना क्लियर हुआ, ओके। अब दूसरा
दूसरा अब देखो फोकस से पास करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, अब फोकस से तो पास कर नहीं पाएंगे, द रीजन इज दैट मतलब फोकस से इंसिडेंट नहीं होगी ना लाइन, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो अब हमें दूसरा करना पड़ेगा। दूसरा तो अपना देखो सी से कर लो, क्योंकि आपको सिखाया होगा स्कूल में कि सी से मतलब सेंटर से पास करते हैं तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होती है, तो बस ऐसे ध्यान से यूं करके सीधी लाइन खींच लो और कुछ नहीं करना, क्या हुआ सीधी लाइन खींच ली, ठीक है ये हो गया। लाइक ये कैसे होता है, इंसिडेंट भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये दोनों मीट कर रही हैं आपस में, नहीं मीट कर रही हैं, तो जब ये मीट नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, सीधी 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 जाएंगी, मीट करेंगी कहीं दूर मीट करेंगी नो डाउट, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ द इमेज क्या हुआ, एट इन्फिनिटी। देखो आपको बात समझ आ रही है, उल्टी बात हो रही थी, जब हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो हमारा इमेज फोकस से बन रहा था, अभी हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज का बन रहा है इन्फिनिटी, इंटरकनेक्टेड है ना। जब हम लोगों ने पिछले वाला देखो, ये वाला देखो, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड द सी तो इमेज बन रहा था बिटवीन सी एंड एफ, अब हमने जब ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन सी एंड एफ तो हमारा इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड द सी, ठीक है इंटरकनेक्टेड है, बस आपको ये चीज दिमाग में रखनी है और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अब साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, क्यों, क्योंकि देखो मीट ही नहीं कर रही, मतलब जहां पे मीट करेंगे बहुत लंबा इमेज बनेगा उसका, सो हाईली मैग्नीफाइड। एंड नेचर तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा, अब इस ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नजदीक लेके आओ, तो और नजदीक लेके आओगे तो एफ को पी के पीछे बनेगा, ठीक है। देखो अभी सो नाउ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ओके लेट मी ड्रॉ दिस, नाउ ये हाँ ये वाला पॉइंट मेरा सी हो गया, ये पी हो गया, बीच में ये एफ तो दिख रहा है मुझे हल्का हल्का, एक बार चेक कर लेती हूँ ये क्या हो गया, ये तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे है ना, एक सेकंड, हाँ ये वाला पॉइंट है, ठीक है ये वाला पॉइंट आया, ये हो गया 4 पे एफ, ठीक है बच्चों। चलो सो नाउ अब क्या मैंने कहा, बिटवीन एफ एंड पी, ए बी, अब एफ एंड बी देखो, अब अगर मैं इसको यहाँ पे इंसिडेंट करूँ लाइन को तो पास होगी फोकस से, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है ना कि जब ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक होता है तो रेज जो है वो कम्प्लीटली इंसिडेंट नहीं होगा, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड नहीं होती, कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट भी होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट नजदीक आता जा रहा है ना मिरर के, ठीक है, तो सारी की सारी लाइक जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है बट कम्प्लीट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्लेक्ट होकर वो मिरर के पीछे की तरफ जाएगी, तो इसको इस तरीके से आप आगे खींच लेना। दूसरा आप इसको रख दो एफ ये सी से, ठीक है इजी वाला, देखो ये देखो सी की पॉइंट नजर आ रही है और ये इसकी पॉइंट नजर आ रही है ना, खींच लो लाइन, ओके ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वाला, बट मैंने कहा कि थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी होगा तो उसको अपन डॉटेड लाइन से बता देते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है, तो बस यहाँ पे लाइन खींच लो, ये हो गया ए डैश बी डैश। अब मुझे बताओ कि पॉइंट यहां मिल रहा है ना, ठीक है, मतलब कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, साइज आपके सामने ये ऑब्जेक्ट देखो और इसकी इमेज देखो, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर अब सीधी सीधा सा बना ना इमेज हमारा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल
एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ, समझ आया ना? तो ये हमने 6 कंप्लीट कर लिए कॉनकेव मिरर के, बस अभी 2 बाकी हैं जहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। तो वो 2 कॉन्वेक्स वाले बनवा देती हूँ, लेंस अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बच्चा अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। पहले हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, ओके? ये उल्टा बनता है ना? नो, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ये है सी, ये पीछे एफ, और ये हुआ पोल। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब कॉन्वेक्स मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट पहले पहले कहाँ पे रखते हैं अपन? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। ठीक है, बस यहाँ के यहाँ पे आपको सिर्फ रे डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इन्फिनिटी पे है, देखो समझो कि ये वाली एक रे आई। ठीक है, अब जब ये रे आई तो क्या होता है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर में जो रेज है वो फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो वो अंदर नहीं आती है। ठीक है, अब आपको कैसे करने का इसको डायग्राम, आपने स्ट्रेट लाइन तो बना दी ना, ठीक है, फिर इस तरीके से आप फोकस पे रखो पॉइंट ऐसे स्केल से, यूं करके डॉटेड लाइन से लेके आओ और यहाँ पे यूं करके बना दो। ठीक है, तो ये ऐसा हो रहा है कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है और बट थोड़ा पार्ट जो है वो अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट भी होता है, मतलब कि अंदर की तरफ मीट करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके से एक नीचे की तरफ बना दो, तो ये इंसिडेंट रे, ओके, फोकस से पास हो रही है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बट बिहाइंड द मिरर हो रही है, तो इसके डॉटेड लाइन से बताया और ऐसे करके इसको हम लोगों ने लाइन खींच लिया। ठीक है, तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल फिगर बनेगा। अब मुझे बताओ ये इमेज कहाँ बन रही है? फोकस से बन रही है, तो पोजिशन ऑफ द इमेज एट एफ, साइज पॉइंट साइज, सामने सामने ही है। ठीक है, पॉइंट साइज, नेचर क्या हो जाएगा? मिरर के बिहाइंड बन रही है, तो इसके लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, डन। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, चलो पहले तो इसको बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सी, इसको पहले कर ही देना, अपना भूल जाते हैं और फिर ढूंढना पड़ता है। ओके, अब देखो एक बार मेजरमेंट होना तो आठ का ही चाहिए, एफ पे। ठीक है, ये हो गया एफ, ये हो गया फोर। अब कहाँ रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब बेसिकली पोल ये रहा, आप यहाँ पे कहीं पे भी रख दो, ठीक है, कहीं पे भी रख दो आप ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मैं इसको और लंबा कर दूँ पॉइंट को, है ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया, समझ, तो ये रख दिया मैंने ए बी। अब सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को लाइन ड्रॉ कर दो, आपको रट जाना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली लाइन तो ये आनी चाहिए। तो ये इंसिडेंट हुई, अब मैंने कहा था कैसे करोगे, ऐसे करके बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट से हो जाएगा आपका, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अंदर की तरफ पास कर रहे हैं हम लोग इसको, और ये क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी, सॉरी इस तरीके से आएगा, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या करें, दूसरा आप ना सी से पास कर लो, ये हो गया सी हमारा। ठीक है, अब हमें पता है सेंटर से पास होती है तो सेंटर से रिफ्लेक्ट करती है, तो ये तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर जाओगे तो कैसे करोगे, ओके, तो अब मेरे को बताओ कहाँ पे मीट कर रही है दोनों रेस, यहाँ मीट कर रही है ना, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। अच्छा, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में छोटा बना, साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन एफ एंड पी, पोजिशन वो हो गया, और साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर हुआ अच्छे से, आया ना समझ में? तो यहाँ पे हम लोगों ने रे डायग्राम्स फिनिश कर लिए। भाई बच्चों अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे हम लोग, अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले मैं आपको लेंस बनाना सिखा रही हूँ कैसे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है मेजरमेंट्स के साथ, फिर तो आपको आ ही जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बुक ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है ओके। अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इसके अंदर 6 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप जितने का चाहो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है थोड़ा सा इंक्रीज कर लूं मैं, देखिए ये रहा 6 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है। तो ये मैंने लिया, अब क्या करना है बेटा, बस इसको रखकर आपको एक आर्क ड्रॉ कर लेना है, कर्व जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ये हमने कर्व ड्रॉ किया, डन ओके। अब क्या करना है आपको, ये वाली लाइन से सीधा राउंडर यहाँ पे लेना है, और आपको जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसका देख लो, ठीक है। जैसे कि मुझे इतनी थिकनेस चाहिए तो मैंने इस तरीके से कवर कर दिया, आया समझे बेटा, क्लियर हुआ, ठीक है। बस ये आपको मेन पॉइंट। तो क्या अब इसका सेंटर जो है ना वो इजीली निकल जाएगा, जो एक्सेस पोर्शन है उसको मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको यहां पर सबसे पहले ये दोनों ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये जो हमारी जहां पे हमने राउंडर रखे थे वो राउंडर पे वाली लाइन पे जहां पॉइंट्स थी, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब बच्चों मुझे बताओ हमने कितना सेंटीमीटर लिया, 6 लिया ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से 6 सेंटीमीटर का पॉइंट, तो जहां पे 6 होगा उसको एक डॉट कर लो, और उसके आधे में जो 3 होगा उसको एक डॉट कर लो, बात समझ में आई, ठीक है। 0 पे अपने ऑप्टिकल सेंटर को किया, मैंने पूरा मेजरमेंट 6 का लिया था, तो एक तो डॉट 3 पे कर लेती हूँ और एक डॉट में 6 पे कर लेती हूँ। तो ये जो 3 वाला जो डॉट है इसको हम कहेंगे F2, क्योंकि लेंस की इस तरफ है, और ये हो जाएगा 2F2 को आप C2 भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस है इसके लिए दोनों तरफ आएंगे F और C। सिमिलरली यहाँ पे देख लिया मैंने, ये मैंने 6 वाला नंबर जो है वो 0 के साथ ऑप्टिकल सेंटर के साथ रख दिया, ठीक है। ये जो है वो 3 वाला पॉइंट, और ये मेरा 0 वाला पॉइंट, ठीक है। सो ये हो गया मेरा F1, और ये जो पॉइंट आया उसको मैं कहूंगी 2F1 या तो फिर C1। बच्चों समझ में आया, ये मेजरमेंट्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट्स इट। मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ओके। अब सबसे पहले केस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो केस 1 क्या कह रहा है बेटा, द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है हम लोगों को, एट इन्फिनिटी। आपने अगर मिरर वाला मेरा वीडियो देखा है ना, तो मिरर पे जहां जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं ना, लेंस पे भी वही सारी पोजिशन है ऑब्जेक्ट से, कोई चेंज नहीं है। जहां पर भी इमेज बन रहा है ना मिरर में, वही सारे इमेज जो है वो आपको लेंस में उसी जगह पे दिखने को मिलेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लेंस के इस तरफ आपको सारे इमेज दिखेंगे, और जो भी होगा वो F4 to F को कनेक्ट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट सारे के सारे वही है, यहां तक कि जो भी हमने डायग्राम्स वहां पे ड्रॉ किए थे, रे डायग्राम्स मतलब कि जो रेस पास करनी थी फिर कहां से पास हो रही थी, सेम चीज है ये भी। चलिए तो अब पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो इन्फिनिटी के लिए कोई ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, और जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमेशा स्ट्रेट इंसिडेंट रेज आती है, ठीक है। तो देखो एक हुआ ये स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। अब ये तो हमने मिरर में भी देख लिया था, इफ द इंसिडेंट लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू फोकस। यहाँ पे आकर रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस, वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये रिफ्रेक्ट कर रही है, ठीक है। एक और बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे दो रेज बनाना जरूरी है, दो से कम तो इमेज ही कहाँ बनेगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां से कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। सो नाउ इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ लिखोगे, एट F2 पे बना। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा यहाँ पे नेचर, और साइज क्या है आपके सामने है, कैसी साइज है, पॉइंट की तरह ना, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है बच्चों।
क्लियर हुआ कैसे करना है ना। चलो अब चलते हैं केस टू पे। नाउ केस टू, केस टू हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बियॉन्ड सी, मतलब कि 2F1 के बियॉन्ड। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ऐसा हो तो आप एक पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो आपको लाइन दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने। ये पॉइंट लिया, ठीक है, जितनी थिकनेस चाहिए देख लो बच्चों। ठीक है, थिकनेस के हिसाब से रख दो। क्लियर, चलो एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दिया मैंने। सबसे पहले क्या बनाओगे, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब ऑप्टिकल सेंटर से मेरा राउंडर 6 सेंटीमीटर का ओपन है ना, तो ये 0 से मैंने यहाँ पर रख दिया। ये एक पॉइंट मेरा 6 सेंटीमीटर पे और एक पॉइंट मेरा 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सिमिलरली ये रख दिया मैंने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओ से, ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरा 0, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे खींच लूं। सो ये क्या हो जाएगा, 2F2 दैट इज C2, ये F2, ये F1, ये 2F1 दैट इज C1। ठीक है, क्लियर ना बच्चों, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, तो ये रहा C1, इसके बियॉन्ड तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये A और ये B, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो पहले तो अभी आपको सिर्फ दो रे सी ध्यान में देनी बेटा, एक तो ये सीधी सीधी वाली, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो क्या करेगी, फोकस से पास होगी। ओके, और दूसरी आपको क्या बनानी है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जब भी पास होगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगी, तो बस सीधी सीधी एक लाइन बना देनी है आपको। ठीक, क्या किया हम लोग इस तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर हो गया ज्वाइन, कहाँ पे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे ज्वाइन हुआ। ओके, यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश। तो ये देखो लाइन, देखो एफ सी टू पे नहीं आ रहा, सी टू वाला पॉइंट ये है, यहाँ पे आ रही है, मतलब कि बिटवीन एफ टू एंड 2F2। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोर्शन ऑफ द इमेज इज बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और नेचर क्या हो जाएगा, देखो उल्टा बन रहा है ना इमेज, तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, देखो ये वाला आप देखो तो ऑलमोस्ट 2.5 जितने लाइन कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, और ये जो है वो 2 जितने लाइन कवर कर रहा है इमेज, मतलब ये ऑब्जेक्ट से छोटा है ना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, आप इसको डिमिनिश भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डन, क्लियर बच्चों। चलो अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, केस 3। अब अगेन सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी मैं, ये मेरा राउंडर किसी भी एक पॉइंट पे रख दिया, कितनी थिकनेस चाहिए देख लो, और बना दिया। ठीक है, चलिए इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां पे बना दिया ऑप्टिकल सेंटर। अब ले लो 6 सेंटीमीटर का राउंडर है मेरा, सो ये 6 का और ये 3 का पोर्शन, यहाँ पर भी देख लेते हैं
सिक्स रख दिया मैंने, ये थ्री का और ये ओ का पॉइंट, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आगे ले लूँ। सो क्या हो गया, ये हो गया टू एफ टू दैट इज सी टू, ये हो गया एफ वन सॉरी एफ टू, ये हो गया एफ वन, ये हो गया टू एफ वन दैट इज सी वन। चलिए बच्चों, अब हमने क्या बोला है यहाँ पे थर्ड केस में, थर्ड केस में हम कह रहे हैं कि द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टू एफ, टू एफ वन पे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। सो इसको भी मैं रब कर लेती हूँ। रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो सीधी सीधी लाइन, और इसको पास करेंगे हम F2 से, ठीक है। और दूसरा हम लोग पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, बस ये दो ही दे दिमाग बिठा लो रेस लेने के लिए, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे मीट किया, यहाँ मीट किया, तो ये बन गया A डैश बी डैश। अब देखो बच्चा, हमारा ऑब्जेक्ट टू एफ वन पे था, तो इमेज कहाँ बना, टू एफ टू पे बना। और दूसरी बात देखो, तो देखो ये दो लाइन जितना ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो इमेज मेरा दो लाइन जितना ही बना, है ना। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, द पोजिशन ऑफ द इमेज एट टू एफ टू, नेचर क्या है, वो तो रियल है, इन्वर्टेड ही है, उल्टा बना है, साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट। देखो अब आप देख रहे होंगे कि मैं आपको कुछ रेटिफिकेशन नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट का एग्जाम बोला जा रहा है, देखो अपने आप बन रहा है, मैंने आपसे कहीं पे भी कुछ मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बोला है। बस आपको ये वाला जो मेजरमेंट का डायग्राम है वो कैसे बनाना है, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई इतना मेजरमेंट मुझे लेना है, उसको फॉलो करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपका जो डायग्राम है वो बनते जाएंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ केस पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ केस पोजिशन हम लोग रख देते हैं, अब टू एफ से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब हम रखेंगे बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, ठीक है, इसके बीच में रख देंगे हम लोग। ओके अब आगे कुछ पता तो है नहीं, तो चलो पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। हो गया, ये रहा मेरा राउंडर, बना दिया। इसी पे चल के मोटा हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे रखा था, ये रहा, थोड़ा सा इसको डन, एक्स्ट्रा वाले पोर्शन रब कर दिए मैंने। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, चलो यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर, ये 6 का पॉइंट और ये 3 का पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर के हिसाब से ये हुआ 3 का पॉइंट और ये हुआ 0 का पॉइंट। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा 2F1, F1 जिसको हम C1 भी कहते हैं, F2 और 2F2 जिसको हम C2 भी कहते हैं, ठीक है। चलो मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ बताया, बिटवीन F1 एंड 2F1, तो F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे हम लोग। देन ये हो गया A और ये हो गया B। सो सबसे पहले हमने ये रे पास की, इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और वो जाएगी फोकस से, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, ऐसे मिली तो नहीं, थोड़ा और इसको अपन ठीक है। अब देखो ये
यहाँ पे एक्चुअली नोटबुक थोड़ी सी लाइक छोटी हो गई है या मेरे को यहाँ करना था, तो ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, है ना, वो आगे पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो आप देखो 2F2 के बियॉन्ड जा रहे हैं, 2F2 के बियॉन्ड जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हुआ, बियॉन्ड 2F2, नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड ही है। साइज आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इसका साइज देखो, साफ साफ दिख रहा है कि लार्जर है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या तो फिर मैग्नीफाइड लिख सकते हो, ठीक है, डन। चलते हैं फिफ्थ केस पे। चलिए बच्चों, अब केस फिफ्थ की बात करते हैं हम लोग। देखिए अब केस फिफ्थ में हमें रखना है ऑब्जेक्ट एट F, मतलब कि एट F1, ठीक है। अब मैंने ये ऑलरेडी बना दिया, आपका टाइम भी मैंने इतनी बार सिखा दिया था आपको, क्लियर तो हो ही गया, तो मैं नहीं चाहते टाइम वेस्ट हो। तो ये O, F2, 2F2, F1 और 2F1, ठीक है। चलिए तो नाउ अब हम रखेंगे F1 पे, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। चलिए सो सबसे पहले A से, अब देखिए रेज में दो ही ले रही हूँ और बार बार वही रिपीट कर रही हूँ, तो क्या दिमाग में सेट हो जाता है, अलग अलग मैं आपसे आपको बताने बैठे मतलब कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल एक ही चीज़ लेके चलने की दिमाग में। दूसरा सेंटर से पास करते हैं, कहीं पे मीट कर रही है बेटा, यहाँ पे तो नहीं मीट करी, सीधा पैरेलल ही आ रही है और आगे जाके शायद कहीं मीट करेंगी, बस बहुत दूर जाके मीट करेंगी, ठीक है। तो जब बहुत दूर जाके मीट करेंगी तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ पे मीट करेंगी, हमारे नोटबुक तक तो मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी साइज क्या हो जाएगा इसका, हाईली मैग्नीफाइड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए आ जाइए केस सिक्स। अब सिक्स केस में हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, हम रखेंगे अभी ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में, ओके, बिटवीन ओ एंड F1, ठीक है। ये हो गया O, ये पॉइंट F2, ये पॉइंट 2F2, ये वाली पॉइंट F1 और ये वाली पॉइंट 2F1, ठीक है। तो कहाँ रख रहे हैं हम लोग, बिटवीन O एंड F1, A एंड B। चलिए अब देखो, पता मैंने आपको मिरर में बताया था कि जितना ऑब्जेक्ट आप नज़दीक लेते हुए जाओगे फिर उतना ही रेज जो होती हैं वो, क्योंकि उनको उतनी स्पेस नहीं मिलती ना जाने के लिए, ठीक है। तो वो फिर आगे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब भी होती है। तो जैसे इसको मैंने पास तो कर लिया यहाँ से, बट सीधी बात है इतना कम, ठीक है, इतना कम डिस्टेंस है तो कम्प्लीट रे पास नहीं हो पाएगी, तो कुछ रे जो है वो क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम डॉटेड से बना दिया। फिर हम बनाते हैं ओ का, अब सेंटर से जाना है, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट सेंटर से गया, बट अगेन ये बहुत डिस्टेंस कम है तो इसके लिए वो ऑटोमेटिकली रेज जो पीछे की तरफ बैंड हो जाएंगी। तो अब देखो कहाँ पे मिल रही है ये, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर मिलते हुए, ठीक है, ये यहाँ मिल रही है आपस में। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ठीक है। आप देखो एक तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है और ये सेम साइड बना और सीधा सीधा बना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट, साइज हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड लिख सकते हो, एनलार्ज लिख सकते हो। पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोजीशन हो जाएगा बिटवीन बिटवीन F एंड 2F1, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ।
सो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 डायग्राम कर लिए। कॉनकेव लेंस के 2 डायग्राम है, अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ना बच्चों, कॉनकेव लेंस के हमारे पास रहेंगे 2 डायग्राम। अब इसमें कैसे मिरर, ये सॉरी लेंस बनाना है वो आपको मैं पहले बता दूं। देखो, पहले तो आप अच्छे से लंबी से लाइन खींच लो। ठीक है इतना। अब एक ओ का पॉइंट ले लो और उसमें 4 डाइवर्जेंस कर लो। जैसे ये 0 और 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं हम लोग। 3-3 का ले, 3 का ले लेते हैं। तो 0 के बाद 3, 6, 9 और फिर 12। ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे गैप ले लिया। अब इसमें क्या होगा, ये जो मेरा पहला पॉइंट है इसको मैं ले लूँगी 2F1, दूसरा पॉइंट F1, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर का O, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ अच्छे से। नाउ अब आप राउंडर ले लो, F2 पे रखो और देखो ये 0 तक जा रहा है ना ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा सा उसको कम कर दो। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको कम कर दीजिए, डन। और इस तरीके से कर्व बना दो, बन गया आराम से। सेम चीज़ आप F1 पे रखो और कर्व बना दो, बन गया अच्छे से, बस यही है। सो क्या कर लोगे इसके अंदर, इसमें हमारा हो गया ये वाला, ज्वाइन कर दिया इसको और यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट वाला लाइन, डन। अब क्लियर हुआ अच्छे से। देखो अब इसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेना है, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे लेना है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्फिनिटी है तो जो लाइन होगी वो इंसिडेंट जो रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी, और तो कहीं जाने का कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये लेंस कैसा कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव जो है वो रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर लेता है। ठीक है, फैला देता है, तो अब ये फैला दिया। अच्छा, अब सब कुछ छोड़ दो, मेरे को इतना बता दो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, अब अगर ये यहाँ से रे यूँ फैला देगा तो ये वाले फोकस को तो मीट नहीं करने वाली, इतना तो क्लियर हो गया। मतलब कि वो रे क्या हो जाएगी, बैक साइड मूव करेगी। तो इसके लिए अब स्केल को ऐसे रखना, ऐसे। तो ये आप ये बता रहे हो कि डाइवर्स भी हो गया और साथ ही साथ डॉटेड लाइन से इसको आप एफ के पास लेके भी जा रहे हो। ठीक है, तो आपका एग्जैक्टली फिगर बन जाएगा। सिमिलरली एक अपन नीचे से ले लेते हैं, ये हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, एफ से निकालना है तो डाइवर्ज हो रही है, तो इस तरीके से लेके रखो इसको अच्छे से। ओके, अब यहां से डाइवर्ज हुई और ये अंदर की तरफ एफ से मीट हुई। ठीक है, तो पॉइंट क्या वहां पे बना है इसका, F1 पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट F1। साइज ऑफ द इमेज आपके सामने ही है, पॉइंट साइज ऑफ इमेज और नेचर। अब देखो मिरर के सॉरी लेंस के लेफ्ट साइड बनी, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनी, जहां से रेज आ रही हैं इमेज भी उसी तरफ ही बनी है। तो इसके लिए कैसी हो जाएंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर। चलो बस एक लास्ट केस है, आइए देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हम रखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, डायग्राम अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ओ का, देन 3-3 सेंटीमीटर का गैप, 1, 2, 3, ये 4 गैप आ गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा
एक्सटेंड कर दूं। तो ये हो गया 2F1, ये हो गया F1 ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। ओके चलो अभी राउंडर से लेंस बना लें। सेम 2F1 पर रख देते हैं। ज्वाइन हो गया, यहाँ पर ज्वाइन हो गया। ओके सो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम लोग? इन्हों रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी वाला कहीं पे भी रख सकते हैं हम लोग। तो एक काम कर लेते हैं, 2F1 के बियॉन्ड ही रख देते हैं। ए एंड बी। चलिए अब जो हमारे रेज है उस हिसाब से पास करेंगे। तो पहले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डाइवर्ज होगी। इसके लिए ऐसे रखो ताकि एफ वाली पॉइंट और डाइवर्ज वाली पॉइंट एक साथ यूँ स्ट्रेट लाइन में नजर आए। ठीक है, डन। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर का कोई इशू नहीं, वो तो वहीं से ही निकलती है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाओ। दैट्स इट। कहाँ मीट कर रही है? यहाँ मीट कर रही है। ये हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आएगा? बिटवीन ओ एंड एफ वन। साइज ऑफ द इमेज आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट से काफी छोटा है। Smaller than object. नेचर सीधा है, इसके लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चा, क्लियर। सो यहाँ पे लेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया। एंड आई ट्राइड कि आपको इजी तरीके से बता दूं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना करूं कि ऐसे करना वैसे करना। ठीक है, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए, लर्न मतलब कि दिमाग में बैठ जाए। सो दैट वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो। आई होप आपने इंजॉय किया और आपको समझ में आया कैसे करना है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो वर्दी लगते हैं मेरे, तो मेरा चैनल, मेरी वीडियो आपके फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय।